उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक TVF के एस्पायरेंट्स सीरीज को देख चुके होंगे, जो YouTube पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। इस सीरीज ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसी के साथ ही हर एक किरदार से लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं। इसी सीरीज में हम आपको संदीप भैया और धड़िया की कहानी सुना चुके हैं, जिसे सन्नी हिंदुजा और नमिता दुबे ने निभाया है। आज की कहानी इस सीरीज के नायक की, नायक मतलब अभिलाष, वो अभिलाष जो अपने ग्रुप का इकलौता लड़का होता है जो IAS बनता है। इस किरदार को निभाया है नवीन कस्तूरिया ने। नवीन कस्तूरिया का TVF से बहुत लंबा रिश्ता रहा है, लेकिन इसके लिए नवीन ने खुद को साबित भी किया है। क्या है नवीन कस्तूरिया की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नवीन कस्तूरिया का जन्म 26 जनवरी 1985 को नाइजीरिया में हुआ था। उनके पेरेंट्स वहीं पर सेटल्ड थे। जब नवीन 1 साल का था तब उनके पेरेंट्स वापस इंडिया शिफ्ट हो गए और दिल्ली में रहने लगे। नवीन का अर्ली एजुकेशन बिरला विद्या निकेतन दिल्ली में हुआ था और वो एक ट्रेडिशनल स्टूडेंट की तरह दिल्ली के ही NSIT से इंजीनियरिंग की डिग्री लिए। स्कूल के समय से ही थिएटर और स्टेज का शौक रखने वाले नवीन ने इसे अपने कॉलेज के दिनों में भी जारी रखा। कॉलेज खत्म होने के बाद गुरुग्राम के ही एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करने लगे। फिर साल 2008 में वह मुंबई आया और यहाँ पर JP Morgan कंपनी में जॉब किए, लेकिन अंदर का एक्टर बार बार हिलोरे मार रहा था, जिसकी वजह से जॉब पर उसका पूरा फोकस जा नहीं पा रहा था। इसके बाद वो जॉब छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में आ गए। शुरुआत हुई थी एक दोस्त के साथ एक नाटक लिखने से, जिसका नाम था खेल खेल में। इस नाटक को उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ लिखा और उसे निर्देशित भी किया था। यह प्ले हाउसफुल रहा था। फिर साल 2009 में आई फिल्म जश्न में उसने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और यहां से नवीन कस्तूरिया का फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। अगले ही साल वो दिवाकर बनर्जी के संपर्क में आया और दिवाकर ने नवीन को फिल्म लव सेक्स और धोखा के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। यह सिलसिला शंघाई फिल्म में भी जारी रहा, जिसमें नवीन एक छोटे से रोल में एक्टिंग करते भी दिखे थे। साल 2014 में निर्देशक अमित मसूरकर ने नवीन कस्तूरिया को अपनी फिल्म सुलेमानी कीड़ा में लीड रोल के लिए अप्रोच किया। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने खासा पसंद किया था, लेकिन नवीन अभी भी संघर्षरत थे। इसके बाद लवशुदा और वाह जिंदगी जैसे फिल्मों में वो दिखे, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया जा रहा था। अब नवीन TVF से जुड़ चुके थे, जिसका डिजिटल वर्ल्ड में अपना एक अलग नाम था। यूथ के बीच वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था। द वायरल फीवर के साथ नवीन पहले कुछ स्केचेस में दिखाई दिया और फिर आया साल 2015। इस साल TVF ने पिक्चर्स रिलीज किया। पिक्चर्स एक वेब सीरीज था जिसने नवीन को रातों रात यूथ से जोड़ दिया। 5 एपिसोड का यह सीरीज TVF के सबसे बेहतरीन कामों में से एक है। इस सीरीज का कई मोनोलॉग आज भी लोग रिवाइंड कर करके देखते हैं। पहले मैं अपनी बीवी को कन्विंस करूं, फिर अपने बाप को कन्विंस करूं, फिर अपनी फैमिली को कन्विंस करूं। 17 का यार ये बहन का लोड़ा। अरे गुंडे हो गया। गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स है मैं, चोद। इसके बाद नवीन अल्ट बालाजी के एक वेब सीरीज बॉस में भी दिखाई दिए थे, जिसमें वो राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज हुई थिंकिस्तान और G5 की परछाई से वो लोगों के बीच बने रहे। इस दौरान नवीन कस्तूरिया ने कई शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। फिर आया साल 2021। लॉकडाउन के इस कठिन समय में द वायरल फीवर ने एस्पिरेंट्स नाम की सीरीज बनाकर घर में बैठे हुए लोगों को एक नई एनर्जी दी, एक पॉजिटिव अप्रोच दिया। इसी एस्पिरेंट्स ने नवीन कस्तूरिया को एक बार फिर से यूथ से जोड़ दिया। पिक्चर्स के बाद वाला जादू अब एस्पिरेंट्स के बाद भी देखने को मिल रहा है। तो यही थी नवीन कस्तूरिया की अब तक की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी जर्नी। नवीन को अपने आने वाले कैरियर के लिए शुभकामनाएं। हम मनोरंजन की दुनिया के ऐसे ही नायाब लोगों के किस्से आपको दिखाते रहेंगे, जो टैलेंट होने के बावजूद भी कहीं खो जाते हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया उनको नहीं दिखा पाती है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन कस्तूरिया की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अभिलाष का कोई भी एक डायलॉग हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और आने वाले वीडियोज़ के लिए भेजोर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।